प्रधानमंत्री पर बनी फिल्म की रिलीज का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर छोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फिल्म देखने के बाद इसकी रिलीज पर फैसला करने के आदेश दिए। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने चुनाव आयोग को एक खत लिखा जिसमें उनके नाम से सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं फैलाने का आरोप लगाया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी के मकान पर आयकर विभाग ने छापा मारा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान ने भारत के रिहायशी इलाकों में गोलाबारी की जिसका भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फर्जी तरीके से सेना में भर्ती के नाम पर एक गिरोह चलाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वीरेंद्र सहवाग ने साल 2000 में हुए मैच फिक्सिंग विवाद के बाद भारतीय क्रिकेट को संभालने और टीम को सही नेतृत्व देने के लिए सौरव गांगुली की तारीफ की। वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान कर दिया गया जिसमें स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर की भी वापसी हो गई। ब्राजील के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी पेले की एक अस्पताल में किडनी की पथरी की सफल सर्जरी की गई।